अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 9.2, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। 9.1 में सिंपल पैराबोला की इक्वेशन थी, सॉल्व करना था इक्वेशन, या तो मालूम करना था, या इक्वेशन दी हुई थी हमें, मुख्तलिफ चीज़ें निकालनी थी उसकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो सारे हम लोगों ने कर लिए। 9.2 में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो 9.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें पैराबोला वाई एक्सिस पर है। हम एक्स एक्सिस के लिए वैसे उन्होंने पीछे ड्राइव करके भी दिए, हम एक्स एक्सिस के लिए भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें निकालनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है पैराबोला की। तो गिवन पैराबोला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं लिख रहा हूँ, पैराबोला ये दिया हुआ है। फिर मैं पहला सवाल करूँगा बुक का। और गिवन लाइन ये गिवन है, लाइन की इक्वेशन ये गिवन है। हमें वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वेल अ लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, एन अ लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला। अच्छा, हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए सर्किल में फार्मूला ड्राइव करके लिख दिया था, उसमें जाके पुट कर देते थे। यहाँ भी वही फार्मूला ड्राइव हो रहा है, क्योंकि जनरल फॉर्म लाइन की इक्वेशन की बन है, जनरल फॉर्म में पैराबोला की बन है हमारे पास। तो अब एक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस पे हो और वो कहते हैं कि प्रूफ डैट गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, तो हम ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का जो मेथड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आपके पास एक कॉनिक दे देगा, चाहे वो पैराबोला दे दे, हाइपरबोला दे दे, एलिप्स दे दे, इसी तरह सर्किल की इक्वेशन दे दे, और एक लाइन दे देगा, कहेगा प्रूफ डैट गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, या कहेगा फाइंड द कंडीशन, कि कंडीशन निकाल दीजिए कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये लाइन इस पैराबोला को टच करे। तो हम करेंगे क्या, लाइन की इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की या वाई की, उसे जो कॉनिक गिवन है या सर्किल गिवन है उसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और जब कोई लाइन किसी सर्किल को या पैराबोला या हाइपरबोला एलिप्स को टच करे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है हमारे पास कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड हो जाती है हमारे पास। आइए देखते हैं, यहाँ लाइन की इक्वेशन दी हुई है, वाई की वैल्यू निकली हुई है, डायरेक्ट हम पुट कर दें, पुट वाई इन इक्वेशन नंबर वन। इसे ओपन कर लें, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये 2mcx है, ये माइनस का यहाँ आके 4ax हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा m, और x भी कॉमन ले लें, एम सी माइनस 2 है। यहाँ लिख दें मैंने लाइन, टेंजेंट या टचेस एक ही बात है द पैराबोला, देन वो ये कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ये है बी, ये दिया हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह दिया हुआ है m स्क्वायर और c की जगह दिया हुआ है c स्क्वायर, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। m स्क्वायर c स्क्वायर, ओपन कर लें इसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये बच गया। इन दोनों में से 4 और a कॉमन है, बच जाएगा एम सी माइनस ए, ये वहां जाके 0 हो जाएगा। या सी की वैल्यू निकाल लें, ये भी कंडीशन ही है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया,
विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन. कि जब कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करे और वो पैराबोला एक्स एक्सिस पे हो, तो हम बजाय ये सारा काम करने के हम पैराबोला से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल लें और लाइन से कंपेयर करके एम और सी की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर दें, तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा कि गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला. ये तो जनरल फॉर्म थी, हमने फार्मूला ड्राइव किया. ये कंडीशन ऑफ पैराबोला है हमारे पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है पैराबोला की, लेकिन शर्त है कि पैराबोला एक्स एक्सिस पर हो. वाई एक्सिस के लिए अलग कंडीशन है, आपकी बुक में वाई एक्सिस वाली वाला ही क्वेश्चन गिवन आई है, उसे भी हम करते हैं. पहले तो ये कंडीशन आ गई. अब हमें निकालना है फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास जो बन गई, यानी ये लाइन उस पैराबोला को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट निकालना है कि कहाँ टच कर रही है. वो पॉइंट ऑफ निकाल कॉन्टैक्ट निकालने के लिए वही हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है. मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट जीरो होना चाहिए. ये रहा डिस्क्रिमिनेंट, ये तो जीरो हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला आ जाएगा. बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2 into mc माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, और ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास एम स्क्वायर. ठीक है जी, यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर दें, निकाली हुई है हमने, तो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 mc की वैल्यू आ गई ए ओवर एम माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2m2. इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दें, एम से एम कैंसिल, ये आ जाएगा ए माइनस 2a डिवाइडेड बाई m2. ये बच जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई m2, ये हो जाएगा ए ओवर m2. तो ये पैराबोला इस ये लाइन इस पैराबोला को जहाँ टच कर रही है वहाँ एक्स की वैल्यू ही है. अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाई की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें एक्स की वैल्यू, पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, एक्स की वैल्यू आ गई ए ओवर एम स्क्वायर प्लस सी, एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए ओवर एम. सी की वैल्यू भी पुट कर दें ए ओवर एम, इसका एलसीएम ले लें ए प्लस ए, ये आ गया 2a/m. ये वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आ गया, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया. ये आ गया माइनस a/m² कॉमा 2a/m. यानी ये सारी मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है. अगर पैराबोला ओरिजिन पर हो और एक्स एक्सिस पे हो, वो कह दे कि प्रूफ डैट, और एक लाइन दे दे, एक पैराबोला की इक्वेशन दे दे, चाहे वो कुछ भी दे, लेकिन एक्स एक्सिस पर और ओरिजिन पर दे और कहे कि प्रूफ डैट गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला, तो हम पैराबोला से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालेंगे, लाइन से कंपेयर करके सी और एम की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, फार्मूला बन गया, वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला. या कंडीशन भी निकालने के लिए तब भी यही काम करेंगे, कंडीशन आ जाएगी हमारे पास. फिर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए दे, तो जाहिर सी बात है हम ए सी और एम की वैल्यू निकाल चुके हैं. ये जनरल फॉर्म है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, यहाँ लाकर पुट कर देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा. इसी तरह अब हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आइए देखते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन उस लाइन को कहते हैं जो किसी कॉनिक को, सर्किल को टच करे, जिस पॉइंट पर टच करे उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकला है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, कि लाइन पैराबोला को किस पॉइंट पर टच कर रही है, इसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं. तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए जो कॉनिक दिया हुआ है हम स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे. इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं
एट किस पॉइंट पे हमने निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो दिया हुआ है, पुट कर दें यहाँ पे स्लोप आ जाएगा 2a, अपनी जगह पे y की वैल्यू आ गई 2a/m, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू m आ गई, जनरल फॉर्म निकालना है इसलिए यही कंडीशन आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये फार्मूला है, स्लोप पॉइंट फार्मूला, पॉइंट तो दिया ही हुआ है, वाई वन की वैल्यू दी हुई है 2a/m, एम की वैल्यू एम आ गई, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू आ गई a/m2, इसका एलसीएम ले लें एम, इसका भी एलसीएम ले लें m2, इस एम से ये एम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया, इन सबको वहां ले जाइए, आ गया m2x-m/, ये वहां ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस a=0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया हमारे पास। तो सारी चीजें निकालनी हमने, जब पैराबोला ओरिजिन पर हो एंड अलोंग एक्स एक्सिस हो, ये एक्स्ट्रा काम था, आपके पास बुक में जो सवाल दिया हुआ वो वाई एक्सिस के लिए ही बना है, पैराबोला की इक्वेशन वाई एक्सिस पर है, तो उसके लिए भी ये सारे काम करने हैं, सेम लाइक दिस इसी तरह करने हैं। आइए देखते हैं, तो इसमें कुछ फार्मूला भी डराइव हो गया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट वो फार्मूले यूज़ करेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैंने जनरल फार्मूला आपको डराइव करके दिखाया। अब ये बुक का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेजन ये गिवन है आपके पास, 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, x²=4ay और y, इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन ये दिया हुआ है, वही काम करेंगे हमें जो है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टाइप करनी है, वही काम करेंगे कि हम इक्वेजन ऑफ लाइन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें, तो हम यहाँ वाई की वैल्यू निकली हुई है पुट कर दें इन इक्वेजन नंबर 1, वाई की वैल्यू आ गई, सबको एक तरफ कर लें, वही लिखेंगे हम टेंजेंट या टचेस द पैराबोला, देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो जाएगा 0 के, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है 4ac, बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास -4am2, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -4ac है, तो ये हो जाएगा 16a²m² माइनस माइनस प्लस 16ac, यहाँ से कॉमन आ रहा 16a कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच जाएगा जो है ना am²+c=0, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, सी इक्वल आ गया -am² के, लिख देंगे विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अब अगर हमारे पास पैराबोला वाई एक्सिस पे दिया हो और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो वही काम करेंगे, हमें ये सारा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लाइन से एम और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पैराबोला से ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा, तो लिख देंगे जो है ना गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला। आइए अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं, या वही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसे कहते हैं, एक ही बात है, यहाँ वाई वेरिएबल की, एक्स वेरिएबल की इक्वेशन बनी है आपके पास,
तो वही डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा। बी की वैल्यू है हमारे पास -4 AM और 2A की वैल्यू है 1। 4 AM डिवाइडेड बाई 2, 2 टू द 4, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, पुट फॉर वाई के लिए ये दिया हुआ है हमारे पास एम एक्स प्लस सी। एम एक्स की वैल्यू आ गई 2 AM और सी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ -AM² m² -AM², ये बच जाएगा AM². तो हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना 2 AM और वाई की वैल्यू आ गई AM². अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो वही हम पैराबोला को डिफरेंशिएट करेंगे, एम की वैल्यू एम आ जाएगी यहाँ भी, वैसे करके दिखा रहा हूँ आपको, और जो है ना पुट कर देंगे जाके, उस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल लेंगे और टू स्लोप पॉइंट फार्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा, जो काम हमने इससे पहले किया। आइए देखते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आ गया। एक्स की वैल्यू पुट कर दें 2 AM स्लोप हो जाएगा ये फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये फॉर्मूला है वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू दी हुई है AM², एम अपनी जगह पे, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू दी हुई है 2 है, ये हो जाएगा MX-2AM². इन सबको वहां ले जाए, ये पहले से दिया हुआ है, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया। नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्मल का 1/m लिख देंगे, -1/m, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो ये मैंने दोनों के लिए कर दिया आपके लिए। अब हमें याद रखना है कि जब पैराबोला एक्स एक्सिस पे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, और पैराबोला वाई एक्सिस पे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा था, ड्राइव किया एम ओवर ए और 2A ए ओवर M² इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये है, ए ओवर M² और 2A/m। और जब पैराबोला वाई एक्सिस पे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये फॉर एक्स एक्सिस के लिए, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये है। लेकिन ये दोनों कंडीशन उसी सूरत में यूज होंगी जब पैराबोला ओरिजिन पे हो, व्हेन पैराबोला इज एट ओरिजिन, तो हम ये सारे काम करेंगे। आइए देखते हैं, सवाल करते हैं, अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारे लिए काम आसान हो गया, हमने ये काम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने दोनों कंडीशन आपको ड्राइव करके दिखा दी, जब हाइपरबोला, जब पैराबोला जो है ना एक्स एक्सिस पर हो और जब पैराबोला वाई एक्सिस पे हो, तो जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर होगा, ये कंडीशन जो मैंने लिख दी थी इसको ज़रा सही तरीके से लिख दूँ, फॉर एक्स एक्सिस के लिए एंड एट ओरिजन, तो पैराबोला की इक्वेशन ये होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आ गई हमारे पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आ गई।
सी इज इक्वल टू ए ओवर एम, जो हम डायरेक्ट अब यूज़ करेंगे। अब हमने ड्राइव कर लिया, अब हमें वो सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालें और उसमें पुट करें एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। ये आ गया ए ओवर एम स्क्वायर कॉमा टू ए ओवर एम, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए आपकी बुक में सवाल वाई एक्सिस वाला ही दिया हुआ है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गया। पैराबोला जब वाई एक्सिस पर होगा तो उसकी इक्वेशन ये होगी। सही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये आ गया हमारे पास सी इज इक्वल टू टू एम, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा टू एम और ए एम स्क्वायर। सी इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। तो अब हमने वो सारा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है कि हम जो है ना, लेकिन इनके लिए शर्त है कि पैराबोला ओरिजिन पर हो। नॉट एट ओरिजिन पे होगा तो या तो हमें उसे ओरिजिन फॉर्म में लाना होगा, तब ये हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड करवा सकते हैं। और पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए वही हम डायरेक्ट उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्लोप निकालेंगे गिवन पॉइंट पे और स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। उसमें हर एक की इक्वेशन अलग अलग है, पैराबोला की अलग है, हाइपरबोला की अलग है, एलिप्स की अलग है। तो हम सिंपल काम करेंगे, वही टू पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे या स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बल्कि हम टू पॉइंट फार्मूला नहीं स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे जी। अब देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन। इसके तीन पार्ट दिए हमें। टू के पार्ट वन में कह रहा हमारे पास के जो है ना, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसे कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग लाइन्स एंड पैराबोला। ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट इन ईच केस, हर केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी हमने कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये गिवन है, गिवन लाइन वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, और गिवन पैराबोला ये दिया हुआ है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि लाइन से वाई एक्स या वाई की वैल्यू निकालें यहाँ पुट कर दें, हम डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ड्राइव कर चुके हैं एक्स एक्सिस के लिए भी वाई एक्सिस के लिए भी। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वाई एक्सिस के लिए दिया हुआ है कि उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी थी, उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी थी, हमें उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था। तो हमने एक्स एक्सिस के लिए भी ड्राइव करके देख लिया कि एक्स एक्सिस पे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, तो पैराबोला हमारे पास एक्स एक्सिस पर ही है यहाँ आइए, और ओरिजिन पर है। इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, फोर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो फोर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। टू फाइव ज़ा टेन, टू टू ज़ा फोर, ये दोनों कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लें, लिख दें पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड एट ओरिजिन कंपेयर कर लें इसे। ए की वैल्यू आ गई फॉर, सही है, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये तो पैराबोला से, सॉरी पैराबोला से कंपेयर करके हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब लाइन से कंपेयर करके पहले हम एम और सी की वैल्यू निकाल लें। तो लाइन ये दिया हुआ है हमारे पास गिवन लाइन, इसको अरेंज कर लें, एक्स वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इसे कंपेयर कर लें।
एम की वैल्यू आ गई -2 और सी की वैल्यू आ गई सी। यहाँ लिख दें हम व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, देन वो ये कंडीशन होल्ड करेगा, सी इक्वल टू ए ओवर एम। सी की जगह सी है, ए की वैल्यू आ गई 5/2 और एम की वैल्यू आ गई -2। तो ये 5/2 है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा -5/4। ये आ गया विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चाहे तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4c = -5 लिख लें, या 5 को भी यहाँ ले। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ए ओवर एम स्क्वायर 2a/m। सबकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, ए ओवर एम स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5/2 और एम की वैल्यू -2 है, स्क्वायर कर दिया। 2a की वैल्यू 5/2, एम की वैल्यू -2। इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 5/2। और वही डिवाइड 2 का -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा -5/2। तो ये हो जाएगा 5/8 और ये आ जाएगा -5/2। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आंसर हो गया। ये भी हमें निकालना था, इसके तीनों पार्ट में ये काम करना। अब हमने निकालना है इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेजन ऑफ नॉर्मल कहता तो वो भी निकाल लेते, इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये सारा काम हमने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि ये काम हम पहले से कर चुके हैं। तो इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन हम निकालेंगे तो उसके लिए ये मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए पैराबोला लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड स्लोप, ये 10 हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये रहा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस पॉइंट पे निकालेंगे, वाई की वैल्यू दी हुई है -5/2, पुट कर दें स्लोप आ जाएगा और स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, 5 × 2 नीचे 5 रह जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया स्लोप। इक्वेजन ऑफ टेंजेंट लाइन ये फॉर्मूला है y-y1 m(x-x1) y1 ये दिया हुआ है -5/2, प्लस का हो जाएगा 5/2, m आ गया -2, x-x1 दिया हुआ है 5/8। अब थोड़ा इसे सॉल्व करना है, बाकी सारा काम हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 2i+5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8, ये हो जाएगा 8x-8, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4, फिर इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये बच जाएगा 2i+5 = 2। ये माइनस बाहर है, 8x-5/2, ठीक है जी। इस 2 को यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2i+5 और ये हो जाएगा -8x-5, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -8x+5। सबको एक तरफ कर लें तो ये +8x हो जाएगा, +4y + 10 - 5 = +5 है, यहाँ आगे -5 हो गया। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। उसने सवाल में कुछ इस तरह किया हुआ है कि इस 5 को आंसर इस तरह दिया हुआ है कि 5 को वहाँ ले गया -5।
इन दोनों में से फोर कॉमनली हमारे यहाँ का डिवाइड कर दिया, वही आंसर है आपका। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। ये पहला पार्ट था, पैराबोला एक्स एक्सिस पे था। पैराबोला, याद रखने वाली बात यह है कि पैराबोला एक्स एक्सिस पे हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, और जब पैराबोला वाई एक्सिस पे होगा तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालने के लिए यही काम करेंगे। इन दोनों केसेस में पैराबोला ओरिजन पर है, एट ओरिजन, नॉट एट ओरिजन वाली कंडीशन नहीं यूज होगी। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट टू में वो कह रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये गिवन है, 3x+4y=P। ये गिवन लाइन है और गिवन पैराबोला दिया हुआ है x²=2y। पैराबोला ओरिजिन पर है एंड वाई एक्सिस पर है। मैंने आपसे बताया था यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा स्क्वायर वाली टर्म, अगर जिस टर्म पे स्क्वायर होगा उसके अपोजिट एक्सिस पर होगा। इस पर स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पर है, पहले वाले क्वेश्चन में वाई पर स्क्वायर था तो एक्स एक्सिस पे था, जो लीनियर होगा उस पर होगा, वाई एक्सिस पर है। आइए इसे भी फॉर्म में लाएँ कंपेयर करने के लिए। 4, ये ब्रेक हो गया, यहाँ लिख दें पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस एंड एट ओरिजन। इसको कंपेयर कर लें, इस x²=4ay से ए की वैल्यू आ गई 3। अब लाइन से कंपेयर करके एम और सी की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा पैराबोला से कंपेयर होकर ए ही की वैल्यू आएगी और लाइन से कंपेयर होकर एम और सी की वैल्यू आएगी। लाइन ये की बना 3x+4y=3। जनरल फॉर्म लाइन की इक्वेशन ये है, तो लाइन को हमेशा इसी फॉर्म में लाना है मुझे, तो 4y यहीं रखेंगे, ये x वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -3x, बल्कि ये p है, +p। y की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 इसके नीचे भी आ जाएगा, p/4। लाइन को हम फॉर्म में लें, अब इसे कंपेयर कर लें। m की वैल्यू आ गई -3/4 और c की वैल्यू आ गई p/4, तो हमारे पास a, m और c की वैल्यू आ गई। लिखेंगे हम व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, देन ये रहा एक्सिस के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी इक्वल हो जाएगा -am² के। अगर वो कहता कि प्रूफ डैट गिवन लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, तो प्रूफ हो जाता, लेफ्ट इक्वल आ जाता राइट के, सही है ना। तो यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा, कंडीशन निकालने के लिए कह रहा, सी की वैल्यू आ गई p/4, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 और एम की वैल्यू आ गई -3/4, स्क्वायर है स्क्वायर कर दें, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर किया 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, 3 9 27/4। लिख देंगे विच इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये रहा फॉर्मूला, 2am, am² 2, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, ये रहा
एम की वैल्यू आ गई -3/4 कॉमा, ए की वैल्यू 3, एम की वैल्यू आ गई -3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 3 जा 9, 9/2, और 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया -9/2 और 27/16, ये आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए वही कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ये रखा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये आया है, इसे मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको हमने पुट करना है, इसी पॉइंट पर निकलेगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये पैराबोला है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, स्लोप निकाल लें, लिख दें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन हर कॉनिक में इसी तरह निकालेंगे, वरना हर कॉनिक का फार्मूला मुझे याद करना पड़ेगा। इलिस में तो चलें सारी इक्वेशन उन्होंने जो है ना एक्स एक्सिस पे ही दी हुई है, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के लिए अलग है और वाई एक्सिस के लिए अलग है, फिर मुझे वो फार्मूला ड्राइव करके आपको उसी में दिखाना होता, फिर वो भी याद रखना होता। तो लिहाजा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहे वो कर्व पर हो, कोई लाइन किसी कर्व को टच करे, तब भी हम यही काम करेंगे कि कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी स्लोप निकाल लेंगे। इसी तरह अगर कोई पैराबोला को टच करे तो वही डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, एलिप्स को टच करे तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, हाइपरबोला को टच करे तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2x, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 6 12। सही है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 9/-9/2 एम हो जाएगा ये। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/6, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6, तो ये आ जाएगा -2/4, स्लोप आ गया। अब हम निकाल लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये फॉर्मूला, वाई वन गिवन है हमारे पास 27/16, एम की वैल्यू आ गई -3/4, एक्स एक्स वन की वैल्यू है -9/2 तो प्लस का हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/-27, इसका एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा, 2x+9, 2 4 8 हो जाएगा, 8 2 16 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 2 भी वहां ले जाए, 2 3 6 मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12x, 6 9 54, सबको एक तरफ कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा 12x+16y, ये -27 पहले से ही यहाँ आके 54 हो जाएगा, 27 ही बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास पैराबोला ओरिजिन पर नहीं है, सही है, जाहिर सी बात है ये सारे केस ओरिजिन के लिए, ओरिजिन पर नहीं है, या तो हम वही पुराना वाला काम करें कि जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उससे एक्स या वाई की वैल्यू निकालें और पैराबोला में पुट कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करें कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आई उसी तरह के डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, इतना लेंदी काम करें, या फिर हम उस ओरिजिन फॉर्म, वो जो ओरिजिन फॉर्म पर नहीं है, नॉट एट ओरिजिन पर है, उसे ओरिजिन में कन्वर्ट कर लें। आइए देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन के लिए मैं फार्मूला ड्राइव भी कर लेता है पैराबोला के लिए, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन या टेंजेंट लाइन निकालने के लिए वो फार्मूला यूज़ नहीं होता क्योंकि पैराबोला ओरिजिन पर नहीं है, तो इसलिए जो है ना
हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इसी तरह निकालेंगे, तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास ही है, गिवन लाइन वाई इज इक्वल टू सी एक्स और गिवन पैराबोला ये दिया हुआ है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × x − 1। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए उसने x − h, पैराबोला ओरिजिन पर नहीं है। पैराबोला हम कर क्या है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए। अब इसे ओरिजिन पे लाना है, तो ओरिजिन पे लाने के लिए हम लेट कर लेते हैं, स्मॉल वाई इक्वल ले लेते हैं कैपिटल वाई के और स्मॉल एक्स इक्वल ले लेते हैं इसमें ये x − 1 कैपिटल एक्स के, यहाँ पुट कर दें हम, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, ओरिजिन पर आ गया। तो इसे ब्रेक करके कंपेयर कर लें, 4 × 2 × x, पैराबोला इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन, कंपेयर कर लें इसे, ए की वैल्यू आ गई 2। अब लाइन पे आते हैं, हमने क्या किया, हमने जो है ना स्मॉल वेरिएबल को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया पैराबोला के, तो लिहाजा मुझे लाइन को भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, और अगर मैं लाइन में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं आएगी। तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू सी एक्स, पुट कर दें, स्मॉल कैपिटल वाई के इक्वल है और स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स +1 के, तो यहाँ स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी, ये कंडीशन बन गई कंपेयर करने के लिए, कंपेयर कर लें इसे, एम की वैल्यू आ गई सी और सी की वैल्यू भी आ गई सी। अब हम लिखें वेन अलाइन टेंजेंट टू द पैराबोला, देन ये कंडीशन होल्ड करेगा, पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के लिए ये कंडीशन है सी इज इक्वल टू ए ओवर एम, सी सी के इक्वल है, ए की वैल्यू आ गई 2 और एम इक्वल है सी के, तो इसे यहाँ ले जाए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही है ना, या सी की वैल्यू निकालेंगे तो +−2 आ जाएगा, खैर जो बुक में दिया हुआ वो कर लेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे उसने दी हुई नहीं है इसलिए लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ऑफ टेंजेंसी फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां से कर देता हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये ना फॉर्मूला हमारे पास ए ओवर एम स्क्वायर 2 ए ओवर एम, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, एम की वैल्यू आ गई सी, तो सी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एम की वैल्यू सी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए, गिवन कर्व को हम डिफ्रेंशिएट कर लें वही काम करें स्लोप आ जाएगा। आइए देखते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहने देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये रहा इसे हम डिफरेंशिएट कर दें, ये आ जाएगा 2 y, फर्दर y को करेंगे dy/dx, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा और कांस्टेंट को करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.ऑफ टेंजेंसी पुट कर दें, वाई की वैल्यू 4/c है,
ये कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप में, इस सी ऊपर चला जाएगा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओवर फोर हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल, एम आ गया फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर ओवर सी, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास सी, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू आ गई टू ओवर सी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेने सी ये हो जाएगा सी वाई माइनस फोर, इसका एलसीएम लेने सी स्क्वायर एक्स माइनस टू, इस सी से ये सी कैंसिल है, इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाई माइनस फोर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस टू, इन सबको वहाँ ले जाए सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई माइनस टू वहाँ पहले से, और ये प्लस फोर वहाँ जाके माइनस फोर वहाँ जाके प्लस फोर हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर टू के तीनों पार्ट हमने कर लिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे जिसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, वो हमें जस्ट कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, ये काम करने के लिए कह रहा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हम कैलकुलेट कर रहे हैं बुक में, ये आंसर उसने इस तरह दिया हुआ है कि सी की वैल्यू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हमारे पास निकल गई थी ना, कि सी स्क्वायर इक्वल था टू के, सी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट टू, तो यहाँ सी की वैल्यू पुट कर दी है उसने, कोई मसला नहीं है, विदाउट वैल्यू पुट किए हुए निकालना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें तो जस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट वन, थ्री के पार्ट वन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग हाइपरबोला, सही ना, एट द गिवन पॉइंट पे निकालना है, तो पहला दिया हुआ है हमारे पास गिवन हाइपरबोला ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, और गिवन पॉइंट ये दिया हुआ है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है टू और फोर, अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो वही हमें डिफरेंशिएट करना है, स्लोप निकालना है गिवन पॉइंट पर, ये हो जाएगा टू आई, फर्दर वाई को करेंगे डी वाई ओवर, पॉइंट पुट कर दें टू और फोर है, वाई की वैल्यू फोर है, वहां मैंने लिखा नहीं था, आप चाहें तो इस तरह भी लिख लें, टू और फोर है एम के इक्वल होता है, स्लोप आ गया फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन की वैल्यू फोर है, एम की वैल्यू आ गई वन, एक्स वन की वैल्यू टू है, सबको एक तरफ कर दें, इसे हम वहाँ ले आते हैं, माइनस टू पहले से फोर वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, आप इसे यहाँ भी ला सकते हैं फॉर इक्वेजन ऑफ नॉर्मल लाइन। माइनस वन ओवर एम, नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये काम करेंगे, वाई वन की वैल्यू दी हुई है फोर, एम की वैल्यू आ गई वन, एक्स वन की वैल्यू टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, इन सबको एक तरफ कर दें, एक्स प्लस का हो जाएगा, वाई पहले से प्लस का है, माइनस फोर टू यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ गया,
सिर्फ मैं अरेंज कर रहा हूँ, हो सकता है बुक में आंसर में इसको यहाँ लाने के बजाय इसको वहाँ ले जाया गया हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, ये आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 1 था। 3 का पार्ट नंबर 2, 3 के पार्ट नंबर 2 में पैराबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई। और पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है, गिवन पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास -6 और 9। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है, आइए डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसको ये रहने दें, इसे यहाँ ले आए, तो 2x/4 ये कैंसिल हो जाएगा। स्लोप निकालना है, गिवन पॉइंट पुट कर दें, पॉइंट ये दिया हुआ है -6 और 9, एक्स की वैल्यू गिवन है -6, एम आ गया, यही निकालना था फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये फॉर्मूला है, y1 की वैल्यू 9, m की वैल्यू आ गई -3, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -6 + 6 हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आए, 3x + y, -9 पहले से, -18 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। y1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9, m की वैल्यू -3 है, x1 की वैल्यू -6, ये माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, 3y - 27 इज इक्वल टू x + 6, इन सबको वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा x, 3y वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, +6 पहले से है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 3y + 33 = 0, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है ना हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन ये दी हुई है, नॉट एट ओरिजिन पर है, 9 × x - 2, गिवन पॉइंट ये दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। पावर पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बन जाएगा, ये dx y पर ऑपरेट करेंगे आ जाएगा dy/dx, और कांस्टेंट पर करेंगे 0 हो जाएगा, इसको x पर ऑपरेट करेंगे आ जाएगा 1, और कांस्टेंट पे करेंगे 0 हो जाएगा dy/dx, ये मल्टीपल फॉर्म में है, 9 × 1 = 9, इसे वहाँ ले जाएंगे डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, y की वैल्यू दी हुई है, पॉइंट गिवन है, हमने इस पॉइंट पर निकालना है 3 और 4, y की वैल्यू 4 है, 2 × 3, ये आ गया m, 3 × 3 = 9, m की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है जी, डायरेक्ट वे में कर दिया, ये तो सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म है, आपने तो पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल सारे किए हुए, डायरेक्ट पावर पावर में से 1 निकाला, 1 बचा, बेस को किया dy/dx आ गया, यहाँ तो पावर है नहीं, x को किया 1 आ गया और 2 को किया 0 आ गया, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
ये फॉर्मूला है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू गिवन है 4, एम की वैल्यू आ गई 3/2, एक्स वन की वैल्यू 3 है, इस 2 को यहाँ ले आए, इसको वहां ले जाएंगे, माइनस वन फॉर इक्वेजन ऑफ नॉर्मल लाइन। ये रहा फॉर्मूला, वाई वन की वैल्यू 4, एम की वैल्यू आ गई 3/2, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3, इसको पलट देंगे ऊपर चला जाएगा, ये 3 यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा 3 × y − 4, और यहाँ बचेगा −2x − 3, ये हो जाएगा 3y − 12, −2x + 6, सब इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, 3y+ का पहले से गिवन था, −12 पहले से गिवन था, 6 यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये आंसर हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इस तरह 9.2 के जितने जो हमारे पास क्वेश्चन थे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचे हैं वो लैंग्वेज वाले बचे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया हमने, सही ना, वन के बल्कि वन में तो मैंने एक्स्ट्रा काम करवा दिया आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं, तो लिंक में जाइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।